रिसाइकल बिन कंप्यूटर में एक बास्केट का रोल प्ले करता है। आप जो चीज़ कंप्यूटर में से ख़त्म करेंगे वो रिसाइकल बिन में चली जाएगी। बाद में रिसाइकल बिन से वो चीज़ दोबारा रीस्टोर भी की जा सकती है और उसको हमेशा के लिए परमानेंटली कंप्यूटर में से डिलीट भी कर सकते हैं। सपोज़ आप देखें, इस वक्त रिसाइकल बिन फिल्ड है, यानी इसके अंदर कुछ आइटम्स मौजूद हैं। मैं इसके ऊपर राइट क्लिक करता हूँ, इसको मैं एम्प्टी कर देता हूँ, यस कर देता हूँ, अभी ये खाली हो गया। अब सपोज़ मैं यहाँ से किसी भी फाइल को ख़त्म करूँगा, जैसे मैंने यहाँ से माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक के ऊपर राइट क्लिक किया, इसको मैंने डिलीट किया, मुझसे पूछ रहा है कि ख़त्म करना है इसको, इसको यस कर दिया, तो ये रिसाइकल बिन में नहीं गया बल्कि परमानेंटली डिलीट हो गया। अब मैं टारगेट के ऊपर राइट क्लिक करता हूँ, इसको मैं डिलीट करता हूँ, वो देखें उसने ऑप्शन दिया रिसाइकल बिन का। अब रिसाइकल बिन में ये चीज़ चली गई है। अब मैं जाके इसको ओपन करता हूँ, आप गौर करें रिसाइकल बिन में ये मौजूद है। अब मैं अगर चाहूँ तो इसको वापस इसकी लोकेशन पे ला सकता हूँ, इसके लिए मैं राइट क्लिक करूँगा, मैं इसको रिस्टोर कर लूँगा। अब ये वापस वहाँ आ गया जहाँ से मैंने इसको डिलीट किया था। आप गौर करें ये यहाँ पर मौजूद है, वापस आ चुका है।